आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V457। इस पीस में प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। इस पीस को जब भी हम ऑन करते हैं, ये कुछ समय के बाद ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम है इसमें। चलिए देखते हैं क्या इशू है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उनका कहना है कि बहुत समय से इसको उन्होंने रखा हुआ था, बहुत सारे इसमें धूल मिट्टी है, मकड़ी के जाले हैं, और ये जो सिस्टम कंट्रोल का बोर्ड है, ये अच्छी कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा रस्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लीन करेंगे। आईसी सुरक्षित है। सुरक्षित होने का कारण है कि ये जो है ऊपर इसके कवर लगता है, जिसकी वजह से आईसी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। चलिए देखते हैं। मैंने जो है ये ऊपर के बोर्ड को निकाला है, और इसके कनेक्टर की जो कंडीशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कालापन बहुत ज़्यादा है। मैं इसके प्रत्येक सेक्शन को अलग-अलग करूँगा। अलग-अलग करने के बाद फिर कहाँ पर कितना क्या रस्ट है उसको देखूँगा। इसके जो और फिर इसको रिफिट करूँगा। मुझे लगता है कि रस्ट होने की वजह से ही जो है इसमें दिक्कत बनी हुई है। चलिए देखते हैं। मैंने जो है इसके पीछे के जितने भी पीसीबीस थे उनको निकाले हैं, और कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे देखे तो ठीक नहीं है, मेरी नज़रों से ठीक नहीं है। मैंने इसको वॉश करना पड़ेगा। और सेकंड हम बात करें, ये अपना इनपुट सेलेक्टर, इस हिस्से में तो कुछ भी नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। लेकिन इसके जो कनेक्टर्स हैं उनको अगर आप गौर से देखें, प्लस इसके ये तो हो गई बैक सेक्शन में, पीछे के हिस्से में जो पीसीबीज लगे हुए हैं उसकी। अब हम रेगुलेटर सेक्शन को निकालेंगे, प्लस आउटपुट सेक्शन को भी निकालेंगे, और ये अपना स्पीकर यूनिट है। आप देख सकते हो मैंने जो है आउटपुट सेक्शन और ये स्पीकर पॉइंट सेक्शन, प्लस ये स्मॉल मिनी पावर सप्लाई, और ये है रेगुलेटर सेक्शन, इन सबको हमने निकाल रखा है। और इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके जितने भी ब्लैक पोर्शन हैं, काले काले जिससे लीकेज पैदा होते हैं, उन सबको हम
साफ करेंगे। आउटपुट ट्रांजिस्टर की बात करें तो वो भी वैसा ही है। चलिए हम इसको पहले क्लीन करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद रीफिट करेंगे। जहाँ तक संभावना है क्लीनिंग करने से इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है और अभी जो है हम इसको फिट करेंगे, क्योंकि इसके दूसरे भी जो बोर्ड्स हैं उसको क्लीन करना बाकी है। अभी तो ये सिर्फ मेन आउटपुट सेक्शन के बोर्ड को ही क्लीन किया है। क्लीन करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि इसमें जो रस्ट था, कालापन था, ट्रांजिस्टर के बीचों में कालापन आ जाता है जिसकी वजह से लीकेज बन जाता है। चलिए हम अभी इसको फिट करते हैं, दूसरे बोर्ड पे ध्यान देते हैं। मैंने जो है इसका आउटपुट सेक्शन का बोर्ड और स्पीकर टर्मिनल्स प्लस ये अपना स्मॉल एसएमपीएस नहीं है सॉरी प्राइमरी सेक्शन का पावर सप्लाई फिट कर दिया है। और अभी हम ये रेगुलेटर सेक्शन बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे। इसके ऊपर जो है हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, डस्ट भी है, रस्ट भी है। इसको हम थोड़ा क्लीन करेंगे एकदम सही से। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है और क्लीनिंग के दौरान एक डायोड जो कि टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये डायोड टूटा हुआ है, ये इसको हम बदली करेंगे। और सेकंड की साफ सफाई के दौरान हमें कुछ कैपेसिटर पे डाउट हुआ है, उस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे कि वो ख़राब तो नहीं है, ख़राब है तो उसे बदली करेंगे। अब जो है हम डीएसपी बोर्ड की बात करेंगे। डीएसपी बोर्ड जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, आईसी के पिंस के ऊपर कितने सारे काले काले निशान हैं, और ये जो है डीएसपी आईसी का सेक्शन आप देख सकते हो। इसको हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। और ये जो हिस्सा है इस हिस्से को आप ध्यान दें, ये ब्लैक डॉटेस सभी पिनों में लीकेज पैदा करता है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इसकी सफाई होनी चाहिए। बैक साइड में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो सामने का हिस्सा है, सामने के हिस्से में बहुत ही ज़्यादा है। चलिए इसको क्लीन करते हैं फिर देखते हैं। क्लीन किया है इसको, जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन कर दिया है। अभी हम इसको फिट करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे बोर्ड हैं उनकी भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करेंगे। जितने भी ये बोर्ड हैं, इन बोर्डों में ये जो कनेक्टर्स लगे हुए आप देख रहे हो ना, इसको क्लीन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है।
इन सभी को एक एक करके क्लीन करना ज़रूरी है। मैंने किया है, इस बोर्ड का करना रह गया है। ये जो कनेक्टर्स में जो ब्लैक्स आप देख रहे हो, ये सब लीकेज पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें साफ करना ज़रूरी है। जितना संभव हो सका उतना हमने प्रयास किया इसका डीएसपी ओके करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। और इस मॉडल का जो है डीएसपी बोर्ड हमारे किसी भी मित्र के पास है नहीं जिससे मैं अरेंज कर सकूं, तो इसको फ़िलहाल एज इट इज़ मैं पैक करूंगा और सिर्फ मल्टी इनपुट में इसकी आवाज़ है। चलिए इसको फिट करते हैं। अभी तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी चैनल स्टूडियो पे काम कर रहा है। इसका जो है डीएसपी बोर्ड में इशू है और ये जब अरेंज होएगा तो इस पे भी हम काम करेंगे। तब तक के लिए हम जिन हमारे प्रिय मित्र का हैं उन तक पहुंचा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर डायग्राम के हिसाब से अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मैंने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था, वो हमने आपको बताया नहीं। ये है अपना आउटपुट सेक्शन, साउंड आउटपुट सेक्शन, और इसके अंदर जो ये दो डायोड आप देख रहे हो, ये दोनों डायोड ख़राब थे। जैसा कि मैंने बताया था इसमें कि इसके जो वाइट वाली जो वायर है उसके ऊपर सप्लाई आ रही थी और ये है वो कांच के डायोड आप देख सकते हैं। ये दोनों ख़राब थी जिसकी वजह से ये बार बार प्रोडक्शन में जा रहा था। हमने इसको चेंज किया है और ये वर्किंग हो गया है।